नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे, कई सारे लोगों ने कॉल किया कि सर हमें जो है आईटी में जाना है, तो डिप्लोमा आईटी में स्कोप है या नहीं है, आज उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, डिप्लोमा करने के लिए आप अगर हाई स्कूल पास हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ अगर आपको डिप्लोमा करना है तो इंटर मत करिए, आप सीधा डिप्लोमा कर लीजिए हाई स्कूल के बाद। जो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका फॉर्म भरिए और डिप्लोमा करिए, ये आप 3 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं, है ना, डिप्लोमा इन आईटी डिपार्टमेंट, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसके बाद बीटेक कर लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही, जिसका ड्यूरेशन होगा 3 ईयर। इसके लिए आपको डिप्लोमा के बाद लीट का एग्जामिनेशन होगा, लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आप बीटेक में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डिप्लोमा में ना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। जितना बीटेक और एमटेक वालों का स्कोप है, उतना डिप्लोमा वालों का जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्कोप नहीं है। मैंने एक लास्ट वीडियो था मेरा जिसमें मैंने हीवेट पॉलीटेक्निक के बारे में बताया हुआ है, वहां पे अगर आप देखेंगे तो 2020 के सेशन में जो है 19 से 20 सेशन में वहां पे 42% जो है प्लेसमेंट हुआ है। अच्छा, प्लेसमेंट होता भी है ना, उसमें भी दो चीजें होती हैं, एक तो आईटी कंपनी, सेकंड होता है नॉन आईटी कंपनीज। तो डिपेंड ये करता है कि नॉन आईटी कंपनीज में कितना परसेंटेज गया, कितना आईटी में गया, है ना, ये चीजें भी होती हैं। तो वो एक कॉलेज छोड़ के, वहां का प्लेसमेंट छोड़ के, बाकी कॉलेजों में 10% 15% 20% ऐसे ही मैंने प्लेसमेंट देखे हैं। तो मैं आपको अगर बता दूं कि आप आईटी में जाना चाहते हैं, नो डाउट जाइए, लेकिन अगर आप हायर स्टडीज के लिए और आगे जाना चाहते हैं तो आप आईटी को करिए डिप्लोमा में, उसके बाद आप लीट का एग्जामिनेशन दीजिए। जैसे आप डिप्लोमा सेकेंड ईयर में होते हैं ना, आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए लीट का, उसके बाद आप बीटेक के लिए लीट निकाल लेंगे बड़े आसानी से, फिर आपका ये 3 साल का कोर्स हो जाएगा। अब आपको ये टोटल 6 ईयर में आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों कर लिया। वहीं आप 12th करते हैं, 12th 2 साल किया आपने, उसके बाद आप बीटेक करते हैं तो आपका 4 साल हो गया, यहाँ भी आप 6 साल दे रहे हैं, जबकि आपके पास यहाँ डिप्लोमा और बीटेक की दोनों डिग्री हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा खर्चा डिप्लोमा में नहीं आता है अगर आप एडेड या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो अलग बात है, वहाँ पर बहुत खर्चा लगता है, बट एज कम्पेयर टू बीटेक जो है डिप्लोमा का खर्चा कम आता है। और अब अगर आप एमटेक करना चाहते हैं, है ना, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो आप यहां से जब बीटेक सेकेंड ईयर में होते हैं ना, बीटेक सेकेंड ईयर के बाद आप मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए आप सीधा गेट का एग्जामिनेशन दीजिए। जैसे आप सेकेंड ईयर में हैं, गेट का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, गेट के थ्रू आप एमटेक में एडमिशन लीजिए और 2 ईयर्स में आप एमटेक कंप्लीट करिए। देखिए, डिग्री ना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आप सोचोगे डिप्लोमा करके जी प्लेसमेंट मिल गया आईटी में किसी कंपनी में, चलो ठीक है पढ़ते हैं, तो आगे क्या होगा? आगे ना जब कंपनीज में आप रिक्रूट हो गए, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, तो आपको एक ही पोस्ट पे तो रहना नहीं है, आपको पोस्ट भी इंक्रीज होना है, प्रमोशंस मिलने हैं, वहाँ पे रुक जाता है प्रमोशन जब आपके पास डिग्री नहीं होता है ना। तो डिग्री करना हायर एजुकेशन में तो आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा, आप हायर एजुकेशन के लिए जाइए, जितना ज़्यादा ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए। डिप्लोमा करके अगर आप 3 लाख का पैकेज पाते हैं, तो बीटेक करके अगर आप 3.6 to 4 लाख का पैकेज अगर पा गए, वहीं एमटेक करके निकलेंगे आप, तो कम से कम 1 लाख का तो पैकेज आप पा जाएंगे अगर अच्छे कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं। सेकंड है, अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, एमटेक नहीं करना है, तो आप एमबीए कर लीजिए। एमबीए के लिए आपको तैयारी करना है कैट की, है ना, तो ये हमारे पास बीटेक के बाद दोनों ऑप्शन है। बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हैं या बीटेक के बाद आप एमबीए कर सकते हैं कैट के थ्रू। बट अगर आप ये है कि सैलरी बहुत जल्दी पढ़ के पैसा कमाना चाहते हैं, आईटी में किसी छोटी मोटी कंपनी में लगना चाहते हैं, वैसे अब क्या है ना, थोड़ा सा आईटी का क्रेज बढ़ा है, तो आप कुछ सेलेक्टेड कॉलेजेस में देखिए, उनका ऑनलाइन भी देख लीजिए, उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अगर अच्छा है आईटी से, टेक कंपनीज में, नॉन आईटी कंपनीज में नहीं, तो वहां पे आप जा सकते हैं। आइदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तभी आप डिप्लोमा जो है आईटी सेक्टर से करिए, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी आपके माइंड में अगर क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और ऐसे रिलेटेड कुछ और वीडियो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू।